नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं D3 न्यूज़। आज हम आपके लिए क्रिकेट के यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल के जीवन के किस्से लेकर आए हैं। क्रिकेट के मैदान पर जब किसी भी गेंदबाज का सामना क्रिस गेल से होता है तो अच्छे से अच्छे बॉलर की जमकर धुलाई होती है। बॉलर की हालत ख़राब करना गेल से अच्छा कोई नहीं जानता। नए बॉलर तो यही सोचते हैं कि उनका सामना क्रिस गेल से ना हो तो अच्छा हो, नहीं तो कैरियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। जब गेल पिच पर बैटिंग कर रहे हों तो ये समझिए कि गेंद स्टेडियम के बाहर ही जाकर गिरेगी। आपको बता दें कि गेल का जन्म 21 सितंबर 1979 को किंगस्टन जमैका में हुआ था। वैसे तो हम इन्हें क्रिस गेल के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है। गेल की पत्नी का नाम नताशा है, जो एक फैशन डिजाइनर हैं। गेल और नताशा की एक बेटी भी है जिसका नाम ब्लेस है। क्रिस गेल का बचपन बहुत ही दर्दनाक भरा रहा था। जिस तरह से गेल आज रॉयल दिखते हैं वैसे इनका बचपन नहीं था। असल में इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। गेल के माता पिता के पास रहने के लिए घर नहीं थे। गरीबी की वजह से इनका स्कूल भी छूट गया और परिवार चलाने के लिए सड़कों पर इनको कचरा बिनने को मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, कभी कभी तो गेल को परिवार के लिए चोरी भी करनी पड़ी थी। मगर कहते हैं ना, वक्त सबका आता है, और हुआ भी यही। क्रिस गेल आज पूरी दुनिया में यूनिवर्स बॉस के नाम से जाने जाते हैं। क्रिस गेल बचपन में क्रिकेट भी खेला करते थे। गेल को इस खेल का बुखार ऐसा चढ़ा कि लोगों के घरों में मजदूरी करके क्रिकेट का सामान खरीद लिया था। इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने लुकास क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया। यहीं से उन्होंने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। इस क्रिकेट क्लब के बदौलत ही गेल ने वेस्ट इंडीज टीम में अपनी जगह बनाई। गेल ने अपना पहला वनडे मैच भारत के खिलाफ खेला था, लेकिन अपने पहले ही मैच में गेल केवल एक ही रन बना पाए। लंबी हाइट की वजह से गेल कभी क्रिकेट के मैदान पर भाग दौड़ नहीं करते हैं, केवल पिच पर खड़े खड़े ही बॉल को बाउंड्री के पार भेज देते हैं। गेल के फैन भी उनसे किसी लंबी पारी की उम्मीद नहीं करते, बस वो तो गेल के लंबे हिट को ही देखने आते हैं। वहीं गेल क्रिकेट के मैदान के बाहर अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहे हैं। D3 न्यूज़।